लेगा ना लड़ाई मार भी मत करो मत करो। ये लोग मार्केट में भी ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बेइज्जती कराएंगे पूरी जगह। यह रुद्रप्रयाग मार्केट, मैं, लक्की और साहिल, हम तीनों आ रखे हैं बिजली का बिल जमा करने। और हमने घर पे बताया भी नहीं है कि लक्की और साहिल मेरे साथ आए हैं। वो मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि उन्हें मेरे साथ चलना है, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उन्होंने चाउमीन और गोलगप्पे मोमोज नहीं खाए। तो मैंने कहा फिर चलो, जब मैं अकेले जा ही रही हूँ। यहाँ देखा ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब लॉकडाउन शांति रखो जरा। गाइस वहाँ देखिए पानी, देखिए पानी दिखाओ। लॉकडाउन का कोई चक्कर नहीं है, मतलब पूरी मार्केट में पूरी भीड़ है, पानी सब कुछ खुला हुआ है। ये पानी देखिए लोग ना, वो देखो मतलब यार क्यों खाते हैं लोग जान। माफ़ कीजिएगा, आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो देना भूल गई थी, क्योंकि लक्की और साहिल के चक्कर में मैं सब कुछ भूल गई। और ये नीचे जो रोड जा रही है ये है केदारनाथ रोड, जहाँ से हम पीछे से आए वो है बद्रीनाथ रोड। और ये नीचे रास्ता, ये तिलवाड़ा कुंड गुप्त काशी, आप देख रहे होंगे कि कितने किलोमीटर है रुद्रप्रयाग से। प्रणाम प्रणाम। लगी कैसे लग रहा है, मार्केट खुल गया ना, बस खुल गया, सब लॉकडाउन बस खुल गया, कोरोना जा रहा है तो खुशी हो रही है। नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्कूल बंद हो नहीं होनी चाहिए। इसकी सर को दिखाओ ये वीडियो कि सर को पता होना चाहिए कि ये स्कूल के बारे में क्या बोल रहे। लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। कितना अभी तक इसने ना अभी इसने कहा हाँ, अभी इसने कहा कि नहीं लॉकडाउन रहना चाहिए ताकि हमारी स्कूल भी बंद रहे। करके ये वीडियो सारे लोगों को शेयर कीजिए और सर को पकड़िए, इसके सर को पहुँचाइए जो यहीं पर रहते हैं, यहाँ पीपल के पेड़ के ऊपर, मेन मार्केट में पीपल के पेड़ के ऊपर। अगर आप किसी सर को जानते हो तो वो लक्की के सर हैं, लक्की को थप्पड़ ही मारा था एक दिन मार्केट में। ये कह रहा है कि स्कूल बंद, स्कूल बंद होनी चाहिए। के कमेंट नहीं, बोले लक्की को देख के मुझे कभी कभी दया आती है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है उसके साथ। बोले तो क्या बनचा ये बार अब चल लक्की बता। मेरे लिए कमेंट किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरी उम्र उसको लगे, वाह 100 साल दी हो जिसने मेरे बारे। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। फिर भी तुम कुछ कहना चाहते हो कि मतलब लोग तुम पे दया कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? पता नहीं, मेरा ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है। फिलहाल तो लक्की लोग बिजी हो गए चाउमीन खाने में। हेलो हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका सिलोड़ी है और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रतुड़ा गांव की रहने वाली हूँ। और बहुत समय से अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से आपके साथ इस खूबसूरत उत्तराखंड की खूबसूरती को साझा कर रही हूँ, और उम्मीद है आपको पसंद भी आता होगा। और सबसे पहले मैं किसी का जवाब दे देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स के कपड़े क्यों पहनती हूँ, तो मैं कभी भी ये कपड़े ख़रीदती नहीं हूँ। मतलब मैं अपने कॉलेज या स्कूल की तरफ से हमेशा गेम्स में जाती रहती हूँ, स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो हमें वहाँ से ड्रेस मिलती है, आप लोग जानते होंगे। तो ये सारी ड्रेस जो भी मैंने स्पोर्ट्स की पहन जाती है, मतलब ज़्यादातर मुझे वहीं से मिलती हैं, क्योंकि हम सभी लोग, जैसे आप लोग भी गए होंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ हमको ड्रेस मिलती है। तो ये भी और मेरे और जो स्पोर्ट्स की ड्रेस हैं वो भी मुझे वहीं से मिलती हैं। और जो मैंने और कपड़े पहने रहते हैं वो मैं ख़रीदती हूँ, मैं इधर उधर जाने के लिए पहनती हूँ। बाकी घर में मैं सारे वही ड्रेस पहनती हूँ जो मुझे वहाँ से मिलता है। यहाँ तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, आप लोग तब बोर भी हो चुके होंगे कि मतलब रोज ही सब्जी लेने जा रहे हैं ये लोग। और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ यहाँ पे हो रखी है। और दिन तो मैं आपको बस यही दिखाती हूँ कि मतलब उनका घर वगैरह वगैरह। और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ हो रखी है। अगर आप इस इलाके पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टमाटर ही रखे होंगे, हालांकि यहाँ पे बैंगन, गोभी और आलू बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शिमला मिर्च, लेकिन टमाटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक टमाटर के पौधे को उगने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चाहिए होता है उसके लिए तापमान। तो यहाँ पर मतलब उस टमाटर को जितना तापमान चाहिए, 18 से 26 डिग्री के बीच टमाटर के पौधे को जमने के लिए तापमान चाहिए होता है, तो बिल्कुल उसी के अनुसार यहाँ पे तापमान रहता है पहाड़ों में। मतलब अभी तो नहीं, अभी तो 30 से ऊपर निकल गया है, लेकिन जब ये पौधे जब उग रहे होंगे तब लगातार यहाँ पर तापमान 18 से 26 के बीच ही था, तो उसको बहुत अच्छा तापमान मिल।
क्या टमाटर ले अच्छे मेरे लौकी ले चलो ये भैया काटा तो नहीं हूँ वो भी कर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टमाटर खराब भी हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉली हाउस की व्यवस्था नहीं है। पॉली हाउस के अंदर टमाटर की खेती करते हैं तो वो अच्छे उत्पादन का एक सफल तरीका है क्योंकि पॉली हाउस में उगाया गया टमाटर बाहर खेतों में उगाए गए टमाटर की तुलना में ज़्यादा मोटा और ज़्यादा दिनों तक चलता है क्योंकि पॉली हाउस की दीवारों पर पॉलीथीन और जालियों की वजह से कीट नहीं आ पाते और दवाइयों का भी कम इस्तेमाल होता है। अगर आप इस इलाके के हैं तो आप मेरे को तो जानते ही होंगे मतलब बहुत बार देखा होगा आते जाते, तो अगर आप प्रेरणा शिवानंदी कुंडासैन और अगर आप रुद्रप्रयाग से पीछे मतलब तिलनी तक के भी हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी सब्जी मिल जाएगी। टमाटर सबसे ज़्यादा होता है मतलब उतना मैं दिखा नहीं पा रही हूँ एरिया क्योंकि नीचे टूटा फूटा सा रास्ता है तो मैं जा नहीं रही बीच में, उन्होंने बोलना है कि कहाँ जा रही ना बीच में तो मैं जा नहीं रही हूँ वहाँ तो यहाँ पे टमाटर आपको मिल जाएगा, लौकी, कद्दू, बैंगन, बहुत सारी चीज़, शिमला मिर्च और बहुत सारी सब्जियाँ हैं। आसपास के हैं तो ज़रूर आइएगा। चलते हैं फिर यहाँ से वापस और बहुत जल्दी आएंगे दोबारा यहाँ। अगर आप लोग भी आएंगे तो मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से ज़रूर फ़ोटो भेजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपको मेरे माध्यम से कोई जानकारी मिल रही है। और मैं चलती हूँ यहाँ से वापस, आ चुकी हूँ मैं सब्जी लेके वापस और मैं अभी जा रही हूँ मन्नत इनको ढूंढने। फिलहाल आज के घर में मेरा यही काम है मतलब बच्चे जा रहे हैं लोगों को इधर उधर और मेरे को बोला जा रहा है कि जाओ बच्चों को ढूंढने जाओ, मेरा यही काम हो रहा है फिलहाल। पढ़ाई लिखाई ठप, कॉलेज से इतना काम दे रखा है, इतना काम दे रखा है। लेसन प्लान होते हैं आपको पता ही होगा, आपने बीएड किया होगा, लेसन प्लान है, उसके अलावा फाइलें हैं, उसके अलावा चार्ट है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल मज़े से घूम रही हूँ। अब जैसे ही कॉलेज खुलेंगे वैसे ही आएगा मेरे पे काम का पहाड़, तब देख लेंगे क्या होता है। अभी तो मैं बच्चों को ढूंढने जाती हूँ। ए क्या करना, पहले इन बार कटहल के गाड़ी, अब कहानी बता ढंग से, जल्दी बताओ कटहल के गाड़ी तब क्यों बोली क्या, हम तुम्हारी पेंशन बढ़ा देंगे बलिया बनी थी। अच्छा गौरी करो ये खोने पाई इन गाड़ी, हाँ फिर के इन गाड़ी साफ साफ बताओ, के इन गाड़ी साफ साफ बताओ क्या बोली बहन, तुम मैं देखिए बोली हम कुछ नहीं बोले, हम बोल डाले बजाओ तो खेल में आज का ढल तोड़ो अतः मैं तोड़ चो, हाँ सूरज साई लो ना, केन फसाई सूरज साई लो ना, डब्बू वाली नितिन क्या बोली, उन उन वाली वाली ना यार तू लव वो ही मुझे भेज नहीं भेजो ना, मैं बताओ जल्दी केन गाड़ी खबर आज झूठ के इन फसाए होंगे ना, क्या तो तुम खुद जहाँ डाला मैं ये खाओ मना, कसम से भगवान कसम से वो खुद झूठ झूठ बना झूठ, तो तुम गए नहीं होंगे अपन, क्या क्या फिर से बोल, नतन बोले कि अंकल जी अंकल जी ये ना आज थोड़ी सी कटहल की सब्जी निकाल दो, मैंने बोला कि मैं तो नहीं बोला, तुम तो क्या मतलब बाजार में नहीं ले सकता कटहल की सब्जी, लुकाया जाना मतलब वही तुम तो, भाम अभी था हम चले के भाम पड़े वाला हम डाल में था मक्खी मुझ हो जाएगा, अरे वे ना पहले बोले बोले इन पहले बोली इन बोली पहला कि रुक रुक कौन नो मैं मत यहाँ सो रुक रुक कौन नो मुड़िया आह उन कहे तो हम चुप करके चुप बदतमीज का खा उठा बड़ो ना फसाना आप हो जाना खुद डाल में, हम उनके को ना नहीं फसाया हम उनके को ना नहीं फसाया। मैं अब इनको आपको इनकी कहानी बताती हूँ, ये हैं इतने छोटे छोटे, मैं आपको इनकी कहानी बताती हूँ। परसों ये लोग मतलब हमारे गांव में मंदिर के पास किसी का कटहल का पेड़ है और ए ढंग से सुन, और इन्होंने वहाँ पे किसी नेपाली को बोला कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब है पेड़ में जाओ और हमें कटहल तोड़ के दो। तो इन्होंने जो उस दिन मन्नत का बर्थडे था ठीक है, तो उस दिन मन्नत अपने बर्थडे के दिन मंदिर जा रखी थी तो किसी को बोला कटहल निकाल के दो, चलो निकाल दिया, वो दिन निकल गया। उसके बाद अब ये लोग गांव में नाम फंसा रहे कि पेड़ में लक्की और साहिल गए हुए थे जो कि वो उस दिन के साथ मंदिर गए भी नहीं थे, और ये बोल रहे हैं कि गाँव वाले बोल रहे हैं कि कौन जा रखा था हमारे पेड़ में, तो ये कह रहे हैं कि लक्की और कौन जा रखा था, हमने नहीं बोला, उन्हीं तीन टप्पू बोल रहे हैं हमने भी।
अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि हम इनको क्या सजा दें, क्योंकि आज पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सब पे गुस्सा आ रखा था कि कटहल किसने निकाला लोगों के पेड़ से, क्योंकि अब कोई तो समझेगा कि हम इतने बड़े हैं, हम लोग जा रहे होंगे पेड़ में, अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं आया क्योंकि मैं भी पेड़ में जाती हूँ, तो वो तो अच्छा हुआ हम लोग बच गए, पर ये लोग और लोगों को भेज रहे हैं पेड़ में। और तो आप लोग कमेंट सेशन में बताइए कि किसको सज़ा मिलनी चाहिए, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट के इतर अबे आंदा मोदी तर अबे मोदी बोल दो सब ते कि कमेंट करा। अब बताइयो तो क्या सजा, सरकार तुम तो सजा देनी पता छे ना, सरकार पे छे कुछ कुवां दी झूठ नहीं बोलो मैं, जो हम ते राशन पानी दंदो, हां तो राशन पानी को देंदो मोदी, मोदी देना तो मोदी सजा भी दे देंदो, नहीं देनो सजा वो खाली करन ये करन है तो देंदो सजा, पता छे सजा केन दी हो, अब मैं तो मोदी ते बोलिन जो भाई की सजा दे रहे हैं, आप सॉरी बोला सब ते, मोदी जी मुझे देख रहे हैं और इनको पता है कि मोदी जी मुझे देख रहे हैं, तो मोदी जी इनको सजा देनी है कि नहीं देनी, या तो सॉरी बोला, सॉरी सॉरी मोदी जी, सॉरी मोदी जी, हम आज से चोरी नहीं करेंगे, किसी के पेड़ में नहीं जाएंगे, तीन बार बोलो सॉरी मोदी जी, सॉरी मोदी जी, सॉरी मोदी जी, सॉरी मोदी जी, अब जो केविन के प्लीज हमको भूखा मत मारो, सॉरी हमको भूखा मत मारो, मोदी जी हम आज से चोरी नहीं करेंगे, मोदी जी हम किसी के पेड़ में नहीं जाएंगे और किसी के किसी का नाम भी नहीं फंसाएंगे, आप हमको राशन दो और हम क्या बोलते हैं, हम किसी का, हम लक्की साहिल का नाम भी नहीं फंसाएंगे, हमने फंसाई नहीं था, वो डब्बू झूठ बोलता है, वो डब्बू 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 कुत्ता का वो एक था चली छो, जबकि तीन भी नहीं छो, वो झूठ झूठ बना के लकी, जबकि हम गाड़ी छो कटहल, सॉरी सॉरी, हम चांद दिखाएंगे, कच्चे आम भी खाएंगे, उसकी चटनी भी बनाएंगे, गेट चो तो आलू, चलो आजा, ड्रामा कर दे रहे, के एक्टिंग करना दी, ए रुक जा, शांति रखा, आज मैं बच्चा पार्टी से मतलब मेरी दादी की और मतलब जितने भी लोग हमारे आसपास हैं जिनको मतलब इनकी फैमिली में मेरी फैमिली मतलब, तो मैं आज इनसे उनकी एक्टिंग कराने वाली हूँ, सब तो इनसे मैं दिखाने वाला हूँ इनकी दादी की एक्टिंग, रुक जा रुक जा रुक जा, या पार मुआ, चल हमारा ती बारी मेरी दादी एक्टिंग करी देखो, ए मन छिया ए मन, तब तुम घास काटी देना ना, कब योग ला दो दी जा हम ते है चप्पल ले लग रही का पापा, चल जाओ घर, मन का पुप क्या बे मार दियो लो झापट, चले हम जाओ मेरे पे ले आओ हाथ फ्रैक्चर हो यार, ये मेरे हाथ भगवती ताऊ जी छिन मेरा, मैं वो कह रहा एक पैसा बीड़ी दी पैसा पान, ए जो जो अनु जद निकर सान, हमारा गा माल बड़े की गाड़ी, ए जो जो अनु जद निकर सानी, के की छे ये मेरे भगवती ताऊ जी छे, मैं भगवती ताऊ जी छा ना विदेशा पुलिस छा फौज छा इथा आज जम्बू भी गया छा, मैं तो पिछली बार उन दी टी शर्ट लिया छा आयो मस्त सुला लिया छा, अनु ना ताऊ जी सब कुछ ले पहला कुकड़ो कुकड़ ने मेरे भगवती ताऊ जी जब आइए फिर हैया कर देना ज्यादा ही परेशान, ताऊ जी ताऊ जी कुकड़ कुकड़ ताऊ जी कंकाल है जा, वो तिरमुल ने काट दो सब छोड़ दो ही नहीं तन्नी जी अब ताऊ जी करा करा मां तो जन पागल को इठा भी पेथर को इठा। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।